गत दिनों अभिनंदन नगर में देर शाम एक महिला की मौत का मामला सामने आया था। इस केस को लेकर पुलिस टीम गठित की गई थी। जांच के दौरान पता चला कि महिला रिटायर्ड शिक्षिका है। वह अपने घर में अकेली रहती थी। कुछ ही दूरी पर महिला के बड़े भाई भी रहते थे। आखिरी बार महिला को 11 फरवरी शाम को मंदिर जाते देखा था। उसके बाद पड़ोसियों ने नहीं देखा। दिनचर्या अनुसार वह सुबह चिड़िया को दाने डालती थी। वह पड़ोसियों से मिलती थी। जब 10 बजे काम करने वाली बाई आई तो घर ताला लगा मिला। जब आस पड़ोस में पूछा तो किसी को कुछ पता नहीं था। पड़ोसियों द्वारा महिला के भाई को फोन किया। महिला का भाई शंका होने पर महिला के घर आकर ताला तोड़ा तो देखा कि घर की सभी लाइटें बंद है। लाइट चालू करके देखा तो मृतिका अपने बाथरूम में पीठ के बल थी और उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 11 फरवरी की जानकारी ली गई। 11 फरवरी की शाम के मकान के सामने रहने वाले हेमंत व्यास से बातचीत करते हुए लगभग 7:30 बजे देखा गया था। उसके बाद हेमंत की जानकारी ली गई तो पिता का स्वर्गवास हो चुका है। उसकी आदतों से परेशान होकर उसकी माँ बुआ के यहाँ रहती है। वो यहाँ अकेला निवास करता है। शराबखोरी व जुआ खेलने का आदि है। उसके ऊपर काफी कर्जा भी था। हेमंत व्यास को जब पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसके द्वारा घटना करना स्वीकार किया तथा बताया गया कि उसके ऊपर 2 लाख का कर्जा था। काम धंधा भी खास नहीं करता था। मृतिका अपने घर पर अकेली रहती थी। वह रिटायर्ड शिक्षिका थी तो उनके पास पर्याप्त पैसा होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ दिनों से वो उन पर नजर रखा था। 11 फरवरी को कोई एप्लीकेशन बनवाने के नाम पर उनके घर में प्रवेश किया। पूर्व में भी वह संतोष मिश्रा के यहाँ से भोजन लेता था क्योंकि स्वर्गीय मिश्रा अकेली रहती थी। वह हेमंत को गरीब ब्राह्मण समझकर भोजन अपने घर से दे दिया करती थी। रात्रि में अपनी बहन की टीसी निकलवाने बहाना बनाकर आरोपी ने महिला के घर में प्रवेश किया। वह खाना मांगा तो वह किचन में जाने लगी तो पीछे से जाकर धक्का दिया जिससे वह घबराकर गिर पड़ी। वहां बेडरूम तरफ गई तो सर पलंग से लगा जिससे कि उनके चेहरे पर चोट आई। घबराकर उनकी जबान दांतों के बीच में फंस गई जिससे खून निकलने लगा। जोर से चिल्लाने की कोशिश की तो मुंह दबाकर 2 बार दीवार पर सिर दे मारा जिससे कि वह अचेत होकर गिर पड़ी जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में हेमंत व्यास को गिरफ्तार कर लिया है। साथ में उसने महिला की चेन जिसे बेची थी उसे भी आरोपी बनाया गया है। क्या जानकारी पुलिस प्रशासन द्वारा प्रेस नोट के माध्यम से दी गई। कौन व्यक्ति ने हत्या की गई थी, किस बात को लेकर हत्या की गई? दिनांक 12 फरवरी को शाम के समय पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अभिनंदन नगर में रिटायर्ड शिक्षिका अपने घर में मृत अवस्था में पड़ी है। क्योंकि घटनास्थल का जो प्रथम मुआयना किया गया था उसमें जो आरोपी है उसके बाद वहाँ से लॉक कर दिया था और अंदर जो है ज़्यादा संघर्ष के निशान नहीं लग रहे थे। तो ऐसा प्रतीत उस वक्त भी लगा था कि कोई नोन बंदे के द्वारा जो कि जिसका आना जाना लगा रहता है उसी के द्वारा इस घटना को कारित किया गया। सभी पहलुओं में पुलिस ने तफ्तीश करी और कल पुलिस को एक क्लू हाथ लगा जिसमें एक व्यक्ति जो कि उनके सामने वाले ही घर में रहता है, सामने वाली लाइन में रहता है, हेमंत व्यास का आरोप था व्यक्ति जो कि उनके यहाँ पे कई बार इसका आना जाना लगा रहता था, उसके ऊपर भी संदेह के उसमें उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो उसके बाद जो मुकदमा काबू किया गया, जब उसकी कपशौरा था उसके बारे में पता किया गया तो वो शराब पीने का आदि था तथा अयाशी में पैसे काफ़ी उड़ाता था जिसके कारण से उसके ऊपर काफ़ी करीब 2 लाख रुपये का कर्ज हो गया था। उसी कर्ज को चुकाने की नियत से क्योंकि उसका इनके यहाँ ईजी आना जाना था और उसे संभावना लग रही थी कि इनके यहाँ से वो कुछ ना कुछ उसको हासिल हो जाएगा, उसी नियत से वो अंदर घुसा। बट जो उसने सामान चुराने और ले जाने की कोशिश करी उसी दौरान झड़प में उसने उनकी हत्या कर दी। उसके आरोपी से हमने मृतिका जो है उनका मोबाइल साथ ही साथ जो घर की चाबियों का गुच्छा था जिससे वो लॉक लगा के ले गया था वो भी जब्त कर लिया और जो चेन जो मृतिका की चेन थी जो ले जाने में सफल हो गया था वो बरामद कर ली और साथ ही साथ जो कैश था जो उसका कुछ जो उसने खर्च कर दिया जो बचा हुआ है वो भी। घर में प्रवेश करने के लिए क्या करा था हमने? घर में प्रवेश करने के लिए चूंकि महिला के संपर्क में ऑलरेडी था पहले से तो एक किसी लड़की की टीसी निकलवाने के लिए आवेदन बनवाने के लिए नाम पे ये मैं उनको फ़ोन करके रख गया था और चूंकि अभी तक कभी ऐसा कुछ उससे भय की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी तो जो मृतिका है उसको आने के लिए। कितने लोगों को आरोपी बनाया सीमन? इसमें एक जो मेन घटना कारित करने वाला व्यक्ति है हेमंत व्यास को और एक और व्यक्ति जिसको उसने चेन बेचकर पैसे मांगे। सर कितने लोग इसमें? करीब अभी हमें 1 लाख रुपये तक। सर मंदसौर जिले में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है जो बुजुर्ग व्यक्ति जो